स्टार विनायक भारत में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता एवं पूर्व MIC सदस्य लक्ष्मी बेन ने मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में एक बहुत बड़े घोटाले का मामला संज्ञान में लाया है। उनके द्वारा विद्युत मंडल से RTI लगाकर सभी दस्तावेजों की जानकारी निकाली गई है, जिसमें यह बात साफ रूप से स्पष्ट हो गई है, जिस कंपनी को इंदौर और भोपाल से पहले स्मार्ट मीटर लगाने में अयोग्य घोषित किया जाता है, लेकिन जबलपुर और भोपाल कार्यालय से योग्य मानते हुए अल्फानोर प्राइवेट लिमिटेड को 2200 करोड़ DH का ठेका दे दिया जाता। लक्ष्मी बेन ने आरोप लगाया है कि जबलपुर और भोपाल के अधिकारियों इस कंपनी में ऐसी कौन सी खूबी दिख गई कि उन्हीं के विभागों से निरस्त कंपनी को ठेका दे दिया गया। यह विषय गंभीर है, इसकी जांच रिटायर जज से कराए जाने की मांग की है। अगर अधिकारियों ने इस मुद्दे पर कार्यवाही नहीं की तो इसके लिए जनहित याचिका दायर की जाएगी। मामला यह है, मध्य प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य एक विदेशी कंपनी को सौंपा गया है। ऐसी कंपनी को कार्य यह सौंपा गया है जो इंदौर विद्युत मंडल द्वारा आयोग घोषित, उसी कंपनी को मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पूर्व क्षेत्र एवं मध्य प्रदेश उत्तर मध्य विद्युत मंडल भोपाल में टेंडर प्रक्रिया के दौरान इस फर्जी कंपनी को स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य सौंप दिया गया। जिस कंपनी को इंदौर कंपनी ने आयोग घोषित किया, उसी कंपनी को आज उसी दस्तावेजों के आधार पर कैसे स्मार्ट मीटर का कार्य दे दिया गया, यह जांच का विषय है। निश्चित रूप से इस टेंडर प्रक्रिया में फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया है और उसी दस्तावेजों की जांच पड़ताल के लिए मैंने आवेदन भी दिया है, ज्ञापन भी दिया है, जिस पर कार्रवाई चल रही है। हम अधिवक्ताओं के माध्यम से भी पूरे दस्तावेजों को सर्च करा रहे हैं। इसमें हमारे द्वारा RTI जो लगाई गई थी उसमें हमें ऐसे दस्तावेज उपलब्ध हो चुके हैं जिसमें इस बात को स्पष्ट करता है कि दस्तावेजों में भारी हेरफेर की गई है और इसमें सारी कार्रवाई अधिकारियों की मिलीभगत से की गई है। तो इसका हम बहुत जल्द इस धांधली को उजागर करेंगे, जिसके लिए हमारी लिखा पढ़ी की प्रक्रिया हमारे अधिवक्ताओं द्वारा की जा रही है। क्या लगता है आपको, कौन कौन शामिल होंगे सर? इसमें बहुत सारे अधिकारियों का भी हाथ है और कुछ कंपनी के जो लोग हैं उनका भी हाथ। किस नाम से है ये? अल्फानोर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अभी लगभग 2-3 महीने से वो प्रक्रिया चल रही है। विद्युत विभाग के द्वारा ये आश्वासन मिला है कि जाँच की जा रही है, जाँच पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। MD और ऊर्जा मुख्य ऊर्जा सचिव को भी की है शिकायत। लक्ष्मी बेन, पूर्व पार्षद, नगर निगम जबलपुर।